ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ के लिए ही आते हैं यहाँ पे। वाइफ से कम आती है हस्बैंड के लिए, तो उनकी वाइफ आई थी अपने हस्बैंड के लिए। वाइफ से कम आती है, हस्बैंड ज्यादा आते हैं कि भाई वो स्वस्थ रहे तो हम स्वस्थ रहे, घर में शांति रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे, खाना टाइम पे मिल जाए, बस खुश रहे, तो वो पहले आते हैं। तो आप इनके लिए आए थे, तो क्या बात नहीं है सर, आप फिर अपने लिए तो इनको ना राजस्थान पत्रिका में एक पेज आता है, उसमें अपने भी परेशानी थी, दिखने लग गए, यहाँ पे दिखने, यहाँ से यहाँ जैसे एटमोसफेयर में आते पता चलने लग जाता है की क्या क्या परेशानियां हैं, तो सारी चीजें दिखने लग गई आपको कि ये भी ठीक हो सकती है, वो भी ठीक हो सकती है, तो अपनी भी परेशानी दिख गई। फिर आपने बोला कि मैं भी थेरेपी ले सकता हूँ, ऐसे मुझसे बोला आपने, तो फिर मैंने आपको बोला कि आप भी नहीं ले सकते, ऐसी वाली बात हुई थी। तो फिर आपको थेरेपी दी, तो थेरेपी जो आप प्रॉब्लम, वैसे बेसिकली आपकी प्रॉब्लम क्या है जो लाए हो? प्रॉब्लम तो शुगर है, एक डायबिटीज है, वो तो सही हो गई, प्रॉब्लम तो सही हो गई। एक बात क्या कराते हैं, तो सही आ रही है, चार दवाइयाँ चलती थी आपकी, चार गोलियाँ थी, दो गोली सुबह, दो गोली शाम को, अच्छा एक एक गोली, एक एक गोली किसने करी, डॉक्टर ने करी ना, हमने नहीं करी है, पहले बता रहा हूँ। और ये समझ ले कि हम दवाई कम करवाते हैं तो हम दवाई कम नहीं कराते, डॉक्टर खुद कम करता है। इनकी चार गोलियां चलती थी डायबिटीज की, डायबिटीज कंट्रोल आने लग गई, तो वो कितनी हो गई, एक गोली हो गई, ठीक है। तो चार अच्छी थी या एक अच्छी थी, अपने को तो चार अच्छी लगती है, चार में ज्यादा फायदा दिखता है, खाना कम, चार का फायदा ज्यादा फायदा, खाना भी खाना कम खाना पड़ेगा, दवाई ज्यादा खानी पड़ेगी। तो एक गोली हो गई इनकी डायबिटीज की, रेगुलर थेरेपी देने आ रहे हैं, और ये एक गोली जो है ना खाने से पहले भी मैं गोली खा लूं, अच्छा मैं हो जाऊं आज ना गोली कह दूंगा, वो आई सब सुनते हैं मैं, ऐसा मत करना, जो गोली आपकी चल रही है उसको चलना देना, लगातार लेना, डॉक्टर ही आपकी गोलियां बाद में कम करेगा, ठीक है। और ही बाकी करते हैं उनको बहुत तकलीफ की, हां पांच छह करोड़ गलती से तो एकदम से मतलब कोई काम डर रहा है, तो अब यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ तो पहले आती है जो चार पांच छह कदम चल गए जैसे होते थे, पहले पहले आ गए। चलो अब इनकी तो वो बताएंगे, आप बस बताओ सारी बातें। तो अब आंटी को बता दो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अच्छा बोलता है, तो मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा रहती थी, वो स्पाइनल पेन, मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, तो सबने दवाई वगैरह दी, मसाज क्रीम दी, तो किसी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो जब मेरे हस्बैंड ने मेरे को मैं लुकापैक्स के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार वहाँ चल के देखते हैं, पर मैं तो ज़्यादा जिद्दी टाइप की रखती हूँ, हाँ जिद्दी टाइप की है, आती नहीं है ऐसे, मैं आ नहीं रही, मुझे किसी में विश्वास नहीं है, जैसे चल रहा है चल रहा, तो इन्होंने एक बार चल के देखो, जब चल के आए यहाँ पर तो दो तीन बार थेरेपी लेने से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा मतलब कि कमर में दर्द एकदम सही हो गया। तो मैं भी आ रही थी 15 दिन की बेटी शादी थी, उस वजह से 15 दिन की भी वो छुट्टी हो गई, उसके बाद हफ्ते 15 दिन भी कंटिन्यू आ रही हूँ, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, और ये आराम के लिए जो बेड है, इसके बेड में जो स्टोन लगे हुए हैं ना,
उसकी जो हील हमें मिलती है वो हील से हमें बहुत ज्यादा इफेक्टेड है हील, जो हमारे खून को अगर पतला करती है उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो हमारा हार्ट बैल सब सही रहेगा, बॉडी पार्ट्स हमारे सब अच्छे से काम करेंगे। अगर सब बॉडी पार्ट्स हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं तो नेचुरली है कि हम स्वस्थ ही रहेंगे। और इनमें जो मुदुल जी, प्रियंका जी और रीता जी जो है, इन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट दिया इन्होंने, तो जैसे ही सेवा कर रहे हैं समाज की, तो दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये कहूँगी कि मेरी बेस्ट विशेष इनके साथ है, ये जो हमेशा खुश रहे और सबको खुश रहे।